नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अजब गजब टीवी। आज हम आपको बताने वाले हैं एक समय में दुनिया के सबसे बड़े और विख्यात रहे ज्ञान के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बताऊंगा दोस्तों इसका इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। साथ ही साथ बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था खिलजी के साथ जो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था नालंदा विश्वविद्यालय। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल इसके अवशेष ही दिखाई देते हैं। पटना से लगभग 88.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में और बिहार शरीफ से करीब 11.5 किलोमीटर दूर उत्तर में एक गांव के पास विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित है। अनेक पुरा अभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम प्लस दा यानी कमल देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली। कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। यह विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र एवं 1510 शिक्षक थे। इसके प्रख्यात अध्यापकों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जैन मित्र, दिकनाग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकृति आदि थे। एक प्राचीन श्लोक से ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। इस विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा थी। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति दो परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनका चरित्र सर्वथा उज्ज्वल और दोष रहित था। छात्रों के लिए कठोर नियम था जिनका पालन करना आवश्यक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया।
उसने 10 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहाँ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित होता था। प्रवेश से पहले वो छात्रों के द्वार पर ही परीक्षा लेता था। इस परीक्षा में 20-30% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था तथा अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। नालंदा 7वीं सदी में तथा उसके पश्चात कई सौ वर्षों तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहाँ अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, तिब्बत, लंका और ईरान आदि देशों के विद्यार्थी भी आते थे और विद्यालय में प्रवेश पाकर अपने को धन्य मानते थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, बसुबंधु, असंग तथा धर्मकृति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। इसके अलावा वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी मत था कि यहाँ कदाचित धातु की मूर्तियाँ बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए भी एक विशेष विभाग था। नालंदा में शास्त्रों, विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3,00,000 से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो खिलजी ने इस गौरवशाली विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया और इसे पूरी तरह तहस नहस कर डाला। बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम तुर्क लुटेरा था और उसी ने इस विश्वविद्यालय को 1199 ईस्वी में जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेद शाखा के हेड अर्थात प्रधान राहुल श्री भद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी वैद्य उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्री भद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। यह सुनकर राहुल श्री भद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। इसने पढ़ा और ठीक हो गया। दरअसल खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्री भद्र जी ने कुरान के उन पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। दरअसल हम हिंदू किसी भी धर्म ग्रंथ को जमीन पर रख कर नहीं पढ़ते और ना ही कभी थूक लगा के उसके पृष्ठ पलटते हैं, जबकि मुस्लिम इसका ठीक उल्टा करते हैं और वे कुरान के हर पेज को थूक लगा लगा के ही पलटते हैं। पूरी तरह ठीक होने के बाद उस पागल को कोई खुशी नहीं बल्कि बहुत झुंझलाहट हुई और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके मुसलमानी हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम असफल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया।
तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। 3 महीने तक जलता रहा था नालंदा विश्वविद्यालय। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि यह 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ तो उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह इतिहास का यह अत्यंत गौरवशाली विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों पर सिमट गया। दोस्तों बस इतनी सी ही थी इसकी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए, जिससे भारतीय इतिहास के इस अद्भुत गौरवशाली विश्वविद्यालय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।